प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। हमारे देश में मसीहत पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जो लोग सच्चाई नहीं जानते, उनका मानना है कि मसीहत एक विदेशी धर्म है और यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का ईश्वर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जिनका मानना है कि मसीह लोग यीशु मसीह का प्रचार करके पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी राष्ट्र बनाना चाहते हैं और फिर दोबारा से अंग्रेजी साम्राज्य को हमारे देश में लाना चाहते हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या मसीहत अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया? क्या अमेरिका और यूरोप के लोगों ने हमारे देश को फंसाने के लिए मसीहत को बनाया? क्या अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वही मसीहत को लेकर आए थे, या फिर कुछ और ही सच्चाई है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ऐतिहासिक रूप से आपको बताएंगे कि मसीहत भारत में कब और कैसे आई। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मसीहत जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी है भारत में भी है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु करीब 33 एडी में हुई और उसके बाद जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के चेलों पर उतरी और उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और दुनिया के अंत छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब जब पवित्र आत्मा उतरी तो यरूशलेम में तो जोरों शोरों से यीशु मसीह के नाम का प्रचार फैलने लगा, लेकिन चेले दूसरी जगह जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। वो यरूशलेम में ही रुके हुए थे और उसी समय साउल कलीसिया को सताना शुरू कर देता है और इस सताव से बचकर प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे कि मती इथोपिया में चला गया, पतरस रोम और टर्की में चला गया, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थॉमस वो उस समय भारत में आ गया। यह वही थॉमस है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु सचमुच जी उठे हैं, और फिर यीशु के हाथ के छेदों में अपनी उंगली डालकर देखता है और तब विश्वास करता है। वही थॉमस 52 एडी में भारत में आते हैं और उस समय महीनों लगते थे समुद्र की यात्रा करके भारत में पहुँचने के लिए, और वो भारत में केरल पहुँचे क्योंकि केरल समुद्र के किनारे है और प्राचीन समुद्री रूट केरल से ही थे। वो केरल में कुडुंगलुरु नाम की एक जगह पर उतरते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से संत थॉमस के भारत में आने से तीन ट्रेडिशंस जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मलाबार ट्रेडिशन, मैलापुर ट्रेडिशन और वेस्टर्न ट्रेडिशन। ये तीनों ही बताती हैं कि संत थॉमस भारत में आए, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो है मलाबार ट्रेडिशन, और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सबूत भी हैं, इसलिए हम इस ट्रेडिशन के अनुसार समझेंगे और इसी ट्रेडिशन को ज़्यादा जाना माना भी जाता है। संत थॉमस ने भारत आकर प्रचार किया 52 AD में कुछ ब्राह्मिन्स को और साथ ही साथ कुछ यहूदियों को। उस समय भारत में यहूदी भी रहते थे क्योंकि केरल से व्यापार होता था, और ब्राह्मिन्स को जो कि नंबूदरी थे, हाई क्लास लोग थे, उनको भी यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। ऐतिहासिक तौर से कुछ परिवारों के नाम जो आज भी सीरियन चर्च के रिकॉर्ड में पाए जाते हैं वो नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि काली और काली अंकल इत्यादि की परिवार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आए थे। संत थॉमस सुसमाचार का प्रचार करते रहे और उन्होंने 7 कलीसियाएं तैयार की जो आज भी केरल में मौजूद हैं। कोडुंगलुरु, पलयूर, प्रयूर, कोकामंगलम, निरनाम, नीलांकल, कुइलुन। और संत थॉमस ने वहां करीब 9 से 10 साल तक वहां पर सेवा की और उसके बाद वो मैलापुर आ गए, जो कि तमिलनाडु का एक भाग है। दोस्तों, चाहे केरल होता था या तमिलनाडु, संत थॉमस जहाँ भी जाते वहाँ यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते रहे और लोग मसीह में आते गए। अब यह देखकर कि थॉमस यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और लोग उनके संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग थॉमस से जलने लगे और संत थॉमस को उन्होंने मारने का फैसला लिया। उनसे बचते बचते थॉमस भाग कर एक गुफा में छिप गए, जिसे लिटिल माउंट के नाम से भी जाना जाता है, और शत्रुओं ने उनका पीछा किया, और जब थॉमस एक पहाड़ पर छिपकर प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने पीछे से आकर उन्हें बाला मारकर उनकी हत्या कर दी, और उस पहाड़ का नाम सेंट थॉमस माउंटेन भी पड़ा, जो कि चेन्नई के पास है।
और जहाँ संत थॉमस की मृत्यु हुई वहाँ एक चर्च भी बना दिया गया जिसे सेंट टॉम बेसिलिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मसीहत भारत में उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मसीहत वास्तविकता में है। मसीहत भारत में अंग्रेजों द्वारा नहीं लाई गई, यह संत थॉमस के द्वारा लाई गई थी जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे और आज भी उनकी बनाई हुई सातों कलीसियाएं मौजूद हैं। प्रूफ है पूरे सीरियक चर्च के पास। दोस्तों अगर आप इस विषय के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप फ्री किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपके कुछ सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। तो दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।